हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में आई मराठी मूवी गोदावरी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है निशान देशमुख नाम के इंसान से, जो गोदावरी नदी के किनारे बैठा था। वो बहुत ही परेशान था और सब पर गुस्सा किया करता था। वहां से निकल कर घाट के पास उनकी बहुत सी दुकानें थी। निशिकांत सबसे रेंट कलेक्ट करता है और अपने घर चला जाता है। उसके घर में उसके दादाजी, मम्मी पापा, उसकी वाइफ गौतमी और उसकी एक छोटी बेटी सरिता थी। उसका घर काफी बड़ा और पुश्तैनी था। वो अपनी माँ को सारे हिसाब देता है और वहाँ से जाने लगता है। उसके दादाजी हमेशा एक ही सेंटेंस बोला करते हैं कि मारुति के कंधे तक पानी आ गया क्या, जिसका मतलब है गोदावरी के किनारे एक हनुमान की मूर्ति थी। उसके दादाजी पूछते थे कि क्या उनके कंधे तक पानी आ गया है या नहीं। वो हमेशा सिर्फ यही एक सेंटेंस बोलते थे। निशिकांत की बात करें तो उसके घर वालों के साथ उसकी ज्यादा नहीं जमती थी, इसलिए वो अकेला ही दूसरे घर में रहता है। वो किसी के साथ ज्यादा बात नहीं करता, हमेशा गुस्से में रहता है, सिवाय अपने फ्रेंड कासव के। कासव की घाट के पास ही चाय की दुकान है और वो एक अनाथ है। कासव निशिकांत को कमलकर नाम के एक बिल्डर से मिलवाता है। कमलकर के पापा की इच्छा थी कि वो इस घाट के लिए कुछ करें, इसलिए कमलकर यहाँ पर डेवलपमेंट करना चाहता है। वो चाहता है कि निशिकांत अपनी दुकानें उन्हें दे दे, लेकिन निशि उन्हें कुछ भी नहीं कहता। वो कासव पर गुस्सा करता है कि उसे इन सब झमेलों में नहीं पड़ना। जिसके बाद वो अपने रूम पर जाने लगता है तो कासव उसे कहता है कि वो अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करे, वो इस तरह से अलग रहना बंद करे, लेकिन निशि उसकी बात नहीं सुनता। कासव कहता है कि माँ हमेशा कहती है, चाहे आप कितने भी कपड़े बदल लो, आप इंसान वही रहते हो। ये सुनकर निशि और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। कासव का कहना था कि उसके पास घर परिवार जैसा कुछ भी नहीं है, जबकि निशि के पास सब कुछ है, फिर भी वो अकेले रहता है। निशि घर जाता है तो रात को गौतमी उसे कॉल करती है। वो निशि से कहती है कि दोपहर को 12 बजे उन्हें मार्केट जाना है सरिता के लिए नया यूनिफॉर्म लेने, लेकिन निशि का कहना था कि उसकी क्या जरूरत है, गौतमी और सरिता दोनों जाकर यूनिफॉर्म खरीद सकते हैं। गौतमी उसे आने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो नहीं मानता। गौतमी इससे गुस्सा हो जाती है और कॉल कट कर देती है। सरिता जब स्कूल के लिए रेडी हो रही थी तो वो घर के ऊपर वाले रूम में जाना चाहती थी, जिसे निशि ने बंद करके रखा था। गौतमी उसे समझाती है और स्कूल भेज देती है। निशि तैयार होकर गोतेकर नाम के एक आदमी से रेंट लेने जाता है, लेकिन गोतेकर उसे रेंट नहीं दे रहा था। उसका कहना था कि फ्लड्स आने के बाद उसका बिजनेस नहीं होता, पूरा दुकान बर्बाद हो जाता है, इसलिए वो उन महीनों के रेंट ना ले। लेकिन निशि का कहना था फेस्टिवल के वक्त उसका बिजनेस डबल होता है, तब वो डबल किराया नहीं देता। वो दोनों झगड़ने लगते हैं तो निशि उसे एक बल्ब ऑफ करने के लिए कहता है। जब गोतेकर बल्ब ऑफ करता है तो निशि उसे कहता है एक दिन वो भी ऐसे ही सडनली मर जाएगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। निशि का सर बहुत दुख रहा था तो वो जाकर मसाज लेता है, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं होता। उसे लगता है कि शायद उसकी आंखों को नंबर आ गया होगा, इसलिए वो जाकर चेक करता है तो उसकी आंखें ठीक थी। वो इंसान उसे सजेस्ट करता है कि वो जाकर डॉक्टर से चेक करवाए। निशि जाकर सारे टेस्ट करता है और उसे रिपोर्ट्स मिल जाते हैं। रिपोर्ट देखकर निशि काफी ज्यादा शॉक था। वो अगले दिन के कंस्ट्रक्शन के ऑफिस में जाता है। वहां पर वो कमलकर से मिलता है और उसका प्लान पूछता है। कमलकर उसे सब कुछ समझा देता है और निशि को ये प्लान अच्छा लगता है। वो घर वालों को आकर बताने लगता है कि उसे ये आइडिया पसंद आ गया है और वो सभी दुकानदारों को दुकान खाली करने के लिए कहेगा ताकि वहां पर डेवलपमेंट हो जाए। लेकिन उसकी माँ का कहना था कि वो दुकान वाले इतने सालों से वहां पर बिजनेस कर रहे हैं, कैसे उन्हें निकाल सकते हैं। लेकिन निशि का कहना था कि डेवलपमेंट करनी है तो कुछ तो सैक्रिफाइस करना ही होगा, लेकिन उसकी माँ और वाइफ नहीं मान रही थी और निशि के पापा निशि के साथ बात ही नहीं करते थे। इसका रीजन क्या है ये हमें बताया नहीं गया। उसके पापा वहां से चले जाते हैं तो निशि कहने लगता है कि आज तक जो भी घर वालों ने कहा है उसने वो किया था। घर वालों ने कहा पुणे मत जाओ, यहीं पर रुको, तो वो रुक गया। घर वालों ने कहा शादी कर लो, तो शादी की। और अब अगर वो अपनी मर्जी से कोई फैसला लेना चाहता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये कहकर वो झगड़ कर सबसे अपने घर वापस चला जाता है। रात को गौतमी उसे मिलने जाती है ताकि वो उसे समझा सके।
तब निशी गौतमी को उसके रिपोर्ट दिखाता है। निशी को ब्रेन ट्यूमर था, वो भी लास्ट स्टेज। उसके पास सिर्फ 2 महीने ही बचे थे। गौतम ये सुनकर बहुत रोने लगती है। वो निशी से कहती है कि अब उसे सबके साथ ही रहना होगा। अगले दिन वो दोनों घर वालों को भी ये बात बता देते हैं। उसकी माँ भी ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक थी, लेकिन उसके पापा कुछ भी नहीं कहते। वो गोदावरी के किनारे जाकर बैठ जाते हैं, जिसके बाद वो लाइब्रेरी चले जाते हैं। निशी भी घाट पर जाता है तो देखता है एक आदमी नदी में गोते लगा रहा था। वो नदी का पानी पी भी रहा था। निशी उसे रोकता है और कहता है कि यह नदी अब गंदी हो चुकी है, इसमें से पानी को ना पिए और यहाँ से निकलकर अच्छे पानी में नहा ले, नहीं तो उसे कुछ हो जाएगा। वो कहता है कि उस तरफ लोग कपड़े धोते हैं, अपने जानवरों को नदी में नहलाते हैं, जिसकी वजह से ये नदी गंदी हो चुकी है। यहाँ पर पहले जैसा अब कुछ भी नहीं रहा। जिस पर वो आदमी निशी से कहता है कि नदी उसकी माँ है और माँ मैली हो सकती है लेकिन गंदी नहीं। वो निशी से कहता है कि उसका गुस्सा होना जायज है और वो अपना गुस्सा बचा कर रखे जो नदी को गंदा करते हैं। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं उन पर उसे गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं। ये कहकर वो फिर से पानियों में डुबकी लगाने लगता है, जिसके बाद निशी कासव से मिलने जाता है। वो दोनों बातें कर रहे थे तब देखते हैं नदी के किनारे एक आदमी बलून लेकर कुछ ढूंढ रहा था। उसके पास बहुत सारे बलून थे और वो रोज नदी के किनारे कुछ ना कुछ ढूंढते रहता। कासव निशी को बताता है कि उस आदमी का बेटा पिछले साल बाढ़ में बह गया। तब से वो आदमी हमेशा नदी किनारे आता है और अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करता है। उसके बेटे को बहुत ढूंढा गया लेकिन उसकी बॉडी नहीं मिली, इसलिए वो आदमी हमेशा यहाँ पर आता रहता है। निशी को यह सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो अपने घर जाता है और सरिता के साथ फोन पर बात करता है। पहले उसने सरिता की बातें सुनने से मना किया था, लेकिन अब उसके साथ वो बहुत बातें करता है। उसके मन में क्या क्या है वो सब कुछ जानने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो अपने दादाजी से बात करने लगता है। वो उनसे पूछता है कि बचपन में वो कहा करते थे कि अगर आप सुनना चाहो तो नदी बहुत कुछ कहती है। निशिकांत को जानना था कि उस आदमी का बच्चा कहाँ है। उसकी हालत निशी से देखी नहीं जा रही थी। वो उनसे पूछता है कि हमेशा वो एक ही सेंटेंस क्यों बोलते हैं, आखिर इसका मतलब क्या है। तभी उसे कुछ अजीब फील हो जाता है और उसके दादाजी की डेथ हो जाती है। उनकी अंतिम क्रिया की जाती है, जहाँ पर उनको अग्नि देने के लिए उसके पापा निशी को आगे करते हैं। जब निशी उनसे रीजन पूछता है तो उसके पापा कहते हैं कि 2 महीने बाद उन्हें फिर से वापस आना है, इसलिए वो ऐसा कुछ अब नहीं करना चाहते। तभी निशी उसी बलून वाले आदमी को देखता है। वो उसके पास जाकर बहुत रोता है और वो आदमी भी रोने लगता है, क्योंकि दोनों अब एक दूसरे का दर्द समझ रहे थे। तभी कासव निशी के पास आता है और उसे नदी में नहाने के लिए कहता है, क्योंकि अंतिम क्रिया हो गई थी और निशी अभी तक नहाया नहीं था। लेकिन निशी घर नहीं जाना चाहता था तो कासव उसे कहता है कि उसके पास जो है उसकी कीमत करे। कासव इस घाट पर रखने वाले नैवेद्य को खाकर बड़ा हुआ है। निशी के पास सब कुछ है, इसलिए उसकी कदर करे। जिसके बाद निशी पानी में जाकर नहा लेता है। अगले दिन जब वो अपने दादाजी की अस्थियां लाने जाता है, तभी वहां पर कार्तिक नाम का लड़का आता है। कार्तिक बताता है कि वो बेंगलोर से आया है, इसलिए उसे आने में देर हो गई। कार्तिक उसे अपने बारे में सब कुछ बताने लगता है। कार्तिक के पापा ने भी निशिकांत के दादाजी से दुकान भाड़े पर ली थी। उनका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई। सारा माल बह गया और दुकान में भी पानी आ गया था। सारा कीचड़ घुस गया था, जिसे साफ करने में निशी के दादाजी ने भी उनकी मदद की थी, लेकिन फिर से बाढ़ आ गई। उनका बहुत नुकसान हो गया था, इसलिए उसके पापा ने सुसाइड कर लिया। तब से आज तक कार्तिक के एजुकेशन का सारा खर्च निशी के दादाजी ने किया है। वो बताता है कि वो आज जो कुछ भी है वो उन्हीं की वजह से है। वो हमेशा कहा करते थे कि हनुमान के कंधे तक अगर पानी आ गया तो सब कुछ पैक कर लेना चाहिए, लेकिन कार्तिक के पापा ने उनकी बात नहीं मानी थी और उनका सब कुछ चला गया। निशी कार्तिक की बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान था कि उसके दादाजी सबकी इतनी मदद किया करते थे, जबकि निशी हमेशा सब पर गुस्सा ही किया करता था। निशी कासव के पास जाता है और उसे कहता है कि उसकी अंतिम विधि कासव को ही करनी होगी। उसका बेटा तो नहीं है और वो नहीं चाहता कि उसके पापा ये सब कुछ करें। कासव कहता है कि उसकी कास्ट ये सब कुछ अलाउ नहीं करती, लेकिन निशी उसे अपनी कसम देकर उससे ये बात मनवा लेता है। जिसके बाद वो गौतमी के पास जाता है और उसे सारी FD सारी सेविंग्स के बारे में इन्फॉर्म करता है।
वो गौतमी को सॉरी कहता है कि वो उसके साथ ठीक से बिहेव नहीं कर पाया। निशी की माँ उसके पापा से कहती है कि अब तो उन्हें निशी से बात कर लेनी चाहिए, जिसके बाद उसके पापा निशी को बुलाने के लिए आते हैं। निशी के पापा उसे बताते हैं कि ये वाड़ा 4 पुश्तों से चला रहा है, उनके पूर्वज काफी ज्यादा होशियार थे इसलिए इतना सब कुछ कमा पाए। वो निशी से कहते हैं कि वो हमेशा सबका बोझ लेकर घूमता रहता है, लेकिन निशी का कहना था कि उसी के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जिसकी वजह से वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाया। लेकिन उसके पापा का कहना था कि उसे बस रेंट कलेक्ट करना था, अगर उसके कुछ और प्लान था तो वो रेंट वालों को कह सकते थे कि वो ऑनलाइन ट्रांसफर करें या घर लेकर आए, लेकिन निशी के पास कोई दूसरा प्लान नहीं था इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा था। उसके पापा कहते हैं कि हमेशा वो दुनिया भर का बोझ लेकर घूमता है जबकि उसके ऊपर कोई भी बोझ नहीं है, दुनिया हमेशा अपने आप चलती रहती है, आप हो या ना हो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जैसे ये नदी हमेशा बहती रहती है, हमारे कुछ भी करने या ना करने से पृथ्वी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने स्पीड से घूमती रहती है। इंसान हमेशा इस तरह एक्ट करता है कि उसी के ऊपर सारी दुनिया का बोझ है और वही सब कुछ कर रहा है, इसलिए तो जब नदी में बाढ़ आती है तो वो इंसान को उसकी औकात दिखाती है कि नेचर के सामने उसका कुछ भी नहीं है। उसके पापा कहते हैं कि जिंदगी में सब कुछ चला जाता है सिवाय यादों के, इसलिए यादें अच्छी होनी चाहिए। ये बात सुनकर निशी अपनी बेटी सरिता के पास जाता है, वो उसे लेकर उस ऊपर वाले रूम में जाता है। सनराइज हो रहा था तो वहां से उन्हें बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, वहां से गोदावरी नदी दिखती थी और वो तीनों वहां से नदी को देखने लगते हैं। अब दिवाली आ चुकी थी और हर तरफ दिए लगाए गए थे, हर तरफ फटाके फूट रहे थे। निशी भी तैयार होकर घाट पर चला जाता है और वो वहां पर एक दिया लगाकर छोड़ देता है। अब उसे समझ में आ गया था कि गुस्सा करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, जो उसके पास नहीं है उससे अच्छा इस बात की कदर कर लो जो उसके पास है। उसके पास ऑलरेडी बहुत कुछ था और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी गोदावरी मूवी की स्टोरी। ऐसी मूवीज सुनने से ज्यादा देखकर फील करने वाली होती है, तो अगर आपको टाइम मिले तो आप इसे एक बार देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।